इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें हम एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम OECD के बारे में समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं OECD क्या है। OECD एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज से मिलकर बना है। इस ऑर्गेनाइजेशन को याद रखिएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, इन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ही बनाया गया है। यहां आपको एक और बात याद रखना है कि OECD के मेंबर्स कौन होंगे। OECD के मेंबर्स होंगे डेवलप्ड इकोनॉमीज, ओनली डेवलप्ड इकोनॉमीज, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज। और आज के डेट में कुल 35 डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जो कि OECD के मेंबर्स में गिने जाते हैं। इन 35 कंट्रीज का नाम आपके स्क्रीन में है। OECD के अगर हिस्ट्री की बात करें तो OECD 1961 में एग्जिस्टेंस में आता है। 1961 में एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन को रिप्लेस करते हुए ही OECD एग्जिस्टेंस में आता है। तो आप ये बात समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही बाद में OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप समझ लें। तो OECD की हिस्ट्री OEEC, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हिस्ट्री से डायरेक्टली जुड़ी है। तो सबसे पहले हम OEEC के हिस्ट्री को समझते हैं। OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन को 1948 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद मार्शल प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए बनाया गया था। मार्शल प्लान क्या है देखिए, 5 जून 1947 US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल ने एक प्लान, एक प्रपोजल तैयार किया और US गवर्नमेंट के सामने रखा। प्रपोजल क्या था देखिए, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूरोप पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका था, खासकर यूरोप की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। जरूरत था कि यूरोप को इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, यूरोप को रीबिल्ड किया जाए। और यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए, यूरोप के इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने के लिए पैसों की जरूरत थी। तो मार्शल प्लान में ये प्रपोज किया गया कि USA यूरोप के रीबिल्डिंग के लिए यूरोप को फिनेंशियल एड, पैसे प्रोवाइड करे। US गवर्नमेंट ने मार्शल प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, USA राजी हो गया यूरोप के डेवलपमेंट के खातिर, यूरोप की रीबिल्डिंग के खातिर यूरोप को फिनेंशियल एड देने के लिए USA राजी हो गया। लेकिन अब बात ये थी कि USA जो पैसा देगा, जो एड देगा, उसे खर्च कैसे किया जाएगा, उसे खर्च कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, USA से आने वाले पैसे को खर्च करने की, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इस बात को डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। फिनेंशियल एड के रूप में आने वाले इन पैसों को यूरोप की रीबिल्डिंग में, रीडेवलपमेंट में खर्च करने के लिए ही OEEC को बनाया गया। तो OEEC एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया जिसकी ये जिम्मेदारी होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डिसाइड करे कि जो एड में पैसा आ रहा है उसे कैसे खर्च किया जाए, कहाँ खर्च किया जाए, कैसे उसे यूज़ किया जाए। OEEC अपने इस काम में बहुत सक्सेसफुल रहा। जितने भी डेवलपमेंट गोल सेट किए गए, जितने भी डेवलपमेंट टारगेट सेट किए गए, उन सभी गोल्स और टारगेट को अचीव करने में OEEC बहुत सक्सेसफुल रहा। 1960 के आते आते यूरोप फिर से रीडेवलप्ड, रीबिल्ड हो चुका था। लेकिन अब OEEC की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि USA से एड आना अब बंद हो चुका था, क्योंकि यूरोप अब वापस रीबिल्ड हो चुका है, रीडेवलप्ड हो चुका है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज OEEC को डिसमेंटल करना, डिसॉल्व करना, मतलब समाप्त करना नहीं चाहती थी। यूरोपियन कंट्रीज ने USA और कनाडा से रिक्वेस्ट किया कि वे भी OEEC से जुड़ जाएं। यूरोपियन कंट्रीज ने USA और कनाडा से रिक्वेस्ट किया कि वे भी OEEC से जुड़ जाएं, OEEC का मेंबर बन जाएं। USA और कनाडा के इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते ही USA और कनाडा राजी हो जाते हैं। USA और कनाडा के इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते ही, मतलब OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ जुड़ते ही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कर दिया जाता है। तो ये हिस्ट्री है
OECD की। क्लियर। अब थोड़ा OECD के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और अभी जो रीसेंट बजट था OECD का वो 363 मिलियन US डॉलर का था। OECD का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी OECD काउंसिल को कहते हैं। OECD काउंसिल को इस ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कहते हैं। OECD काउंसिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। इसके अलावा OECD के अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट पॉलिसी कमिटीज भी होती हैं, पॉलिसी कमिटीज। OECD के अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट पॉलिसी कमिटीज भी होती हैं जो कि मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी होती हैं। इन कमिटीज के एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट भी होता है। OECD में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। तो इन बातों को आपको याद रखना है OECD के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत। OECD के अगर गोल्स की हम बात करें तो ये गोल्स OECD के चार्टर के आर्टिकल 1 में मेंशन है। पहला गोल है मेंबर कंट्रीज के बीच एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना। दूसरा गोल है मेंबर कंट्रीज एज वेल एज नॉन मेंबर कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ के एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूशन करना, मदद करना। इसके बाद ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड ट्रेड को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। तो ये कुछ गोल्स हैं OECD के। क्लियर। अब अगर OECD को हम इवैल्यूएट करें और एक कंक्लूजन प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर सामने आएंगे। देखिए, OECD एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम प्रोवाइड करता है मेंबर स्टेट्स को। इस फोरम का इस्तेमाल करके मेंबर स्टेट आपस में कॉपरेट कर सकते हैं, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं और एक दूसरे के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी मदद कर सकते हैं। OECD चाहता है कि डेमोक्रेसी को ग्लोबल लेवल पर स्प्रेड किया जाए, हर कंट्री फ्री मार्केट इकोनॉमी के पॉलिसी को अपनाए, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को एबॉलिश करें, गुड्स और सर्विसेज के फ्री फ्लो को प्रमोट करें। और अगर एक कंट्री और अगर कोई कंट्री इन कंडीशंस पर खरा उतरता है, इन कंडीशंस को फुलफिल करता है और अगर वो कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड है तो वो कंट्री OECD का मेंबर बन सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी OECD से जुड़ी। एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की। उम्मीद है कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।